प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर शुक्रवार सुबह इटली की राजधानी रोम पहुंचे हैं। 29 से 31 अक्टूबर तक वे इटली में रहेंगे। यहां वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचेंगे। यहां वे COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शामिल होंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि G20 की यह मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो सका। अब यह इटली के रोम में होगी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद ग्लासगोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। G20 वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है। यह इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार समिट के मुद्दे होंगे पीपुल्स प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी, इसमें महामारी से रिकवरी और जलवायु परिवर्तन के मुख्य मुद्दे शामिल किए जाएंगे। जानकारी मिली है कि मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रादी से भी मुलाकात कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इटली दौरे पर प्रधानमंत्री कैथोलिक क्रिश्चियनियन के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि यह मुलाकात उनके शेड्यूल का हिस्सा नहीं है और न ही विदेश मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी दी है। प्रधानमंत्री इस मुलाकात के लिए वेटिकन सिटी जा सकते हैं, जो रोम के बीच में ही है और इसे अलग देश का दर्जा हासिल है।